काका ये बताइए, विधानसभा चुनाव आने वाला है भैया, तो इस बार जो है आपके यहाँ क्या स्थिति बन रही है? वोट वोट किसको करना है, कौन सी पार्टी की सरकार बने? मोदी सरकार यानी योगी सरकार। योगी आके कम से कम इसका निगरानी तो देखा है, हम लोगों का शिकायत तो कम से कम सुना है, हमारे लोगों का दुख पीड़ा तो सुना है। जी जी, वो वहाँ बैठे हैं, वहाँ से भेज देते हैं, यहाँ आके तल्ला काट के चले जाते हैं। हम किसको कहें जी, हम किसको कहें? तो मतलब सरकार बनना योगी, सरकार तो योगी मोदी का बना है, लेकिन काम जो है तरीके का करें। जी जी हाँ, अच्छा जी, क्या क्या कहना है आपका काका, किसकी सरकार बने? वही बनाए और क्या 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 बने, वही कौन? अरे मोदी और की, योगी मोदी की सरकार बने, भाजपा सरकार फिर से देखना चाहते हैं। हाँ, और का बिल्कुल बिल्कुल। अभी काका आपका क्या विचार है, ये नवा बने चाहिए, बढ़िया नवा सरकार बने, मतलब योगी मोदी ना बने? ये गजिन हो रहा है, रहा है नहीं ना रहा है। हाँ, कौन चीज दुख है किसान का, कौन चीज नहीं दुख है, देखें तो आए, देखना चाहिए और का। ठीक ठीक, काका क्या कहना है आपका? मोदी सरकार का वोट देंगे जी, नमक उसका खाए हैं। अच्छा, मोदी सरकार का नमक खाए हैं? हाँ, नमक खाए, बिल्कुल वोट देंगे जी, मोदी योगी दोनों ले। देश का नमक सुधार का हो, काम सुधार का हो, सरकार बने योगी की। बिल्कुल, मैं डॉक्टर इरशाद इंडिया टाइम्स न्यूज एजेंसी से, आज हम पूछना चाहते हैं गांव के मतदाताओं से कि राजनीति के बारे में उन्हें कितनी जानकारी है। चाचा, प्रजातंत्र किसे कहते हैं? प्रजातंत्र चाचा, प्रजातंत्र राज उनका है, प्रजा हम है, हमारा जो होता है वैसा काम करें, हम लोग उनको वोट देंगे। मतलब प्रजा की आवश्यकता अनुसार सरकार काम करे। हाँ, अच्छा, सरकार जैसे रिश्वत खोर है, तो रिश्वत खोर को सरकार का बनाने का ये उद्देश्य, हम जनता हैं। जी जी, वो सरकार हम उनको बनाएं तो जैसे वन रखे बाघ और बाघ रखे वन, अगर वन रखता हूँ तो बाघ का रहना वहाँ अनिवार्य है, उनका रक्षा करे बाघ का। जी जी जी, और वन रख ना हम लोगों का काम है। मतलब अगर बाघ जो है निरंकुश हो जाए तो उस पे कोई अंकुश लगाना रहे कि नहीं? अंकुश तो लगाना पड़ेगा, बाघ की मर्जी हो जाए कि पूरे वन को साफ कर देना है तो उस पे अंकुश लगाना है, वो बाघ के हाथ में है। प्रजातंत्र यही है कि जब आप अपनी सरकार बनाते हैं तो अपना प्रतिनिधि चुनते हैं कि आपकी समस्याओं को विधानसभा में जाकर उठाए, लेकिन जब वो जनप्रतिनिधि आपकी समस्याओं को विधानसभा में नहीं उठा पाता तो क्या फिर आप उस लायक नहीं, वो कोई काम का नहीं, तो परिवर्तन करना पड़ेगा। आप किसान बिल के बारे में कुछ जानते हैं? अरे भैया, हम कुछ किसान बिल के बारे में क्या है, किसान लोग तो नहीं नहीं किसान को देखो, हर एक चीज की महंगाई, हमारा धान गेहूं का महंगाई ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी सरकार ने कल एक बिल पास किया है कि लड़कियों की शादी 18 साल की जगह पे 21 साल पे करनी चाहिए, इस पे आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, समस्या इसमें गड़बड़ है। जैसे जैसे आजकल जो है ये टीवी चैनल चल गई, मोबाइल चल गया, इससे बच्ची और बच्चियां दोनों बर्बाद हो रहे हैं। जी, जी। शिक्षा में इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना इसमें ध्यान देते तो हैं। मोबाइल से तो शिक्षा भी ले सकते हैं, ले तो सकते हैं, लेकिन जितनी गंदी सोच पे ज्यादा जोर देते हैं उतना अच्छे सोच पे नहीं जोर देते। मतलब ये 21 साल पे शादी करने का प्रावधान अनुचित लग रहा है आपको? भाई उचित तो नहीं है, 18, 20, 21 तक के तो शादी हम लोगों में होता ही है। हाँ, लेकिन अगर सरकार कानून बना रही कि 18 अब नहीं करना है, अब 21 पे करना है। नहीं, जो ये तो ये गलत है। ये वाला बिल आप लोगों ने सुना है, कल से चर्चा में था। अच्छा, नहीं तो ये हम लोग तो यही सरकार बना रहे। जी जी चाचा, भैया ये गड़बड़ है। अच्छा अच्छा, बहन बिटिया तो जो भैया, हाँ, और बहन बिटिया हम लोग, सही है चाचा। और ये जो देखा था टीवी, हाँ, महाकुल देखा था नंगे उघाड़, बिल्कुल सही कहा था। हाँ, सही, ये हमारे संस्कृत के खिलाफ है, खिलाफ हमारे संस्कृत, ये चीज ना अपनावती, ये हमारे ये परंपरा का नकारित है। ये जो 18 वर्ष से 16 वर्ष पर शादी किया जा रहा है, बच्चे शादी भाई हो,
भैया कि कौन दंगा हुआ था 7-8 साल पर, सबका सरकार नहीं रहा, तबो सरकार रहा, तो ये वह सरकार हुए जेकर नमकवा खाए हुए। अच्छा, वो नहीं कहा था 18 जगह पे 21 कर करे तो वन के क्यों है ये नहीं तब का कर। अरे तो अरे ना उनके पुतवा है ना उनके बिटिया है तो का वो तो हमारे हमारे जो उन प्रभावित हुए हम रहे इनके लिए तो बना होता है हमें तो दुख ये सरकार का अनुरूप गलत है मोदी सरकार का ये गलत तो ये भी हम कई तत्व लाते तो मतलब ये है उन्होंने जो है गलत काम है हमारे इनके अनुरोध है कि भाई जो समाज के लिए ये बिल ना पास करे वो का ये पास ना करे मोदी सरकार भाजपा का वोट दिए तो हम लोग तो भाजपा ही है भाजपा के ये नीति से सहमत नहीं हो नहीं अगर गलत करेंगे तो कोई उनके नाम बैनामा लिखा है अनाई है पट धो जाएंगे जी जी धन्यवाद आप लोगों का। आप देख रहे थे एक ग्राम सभा में जहां की सदियों से भाजपा को ही वोट मिलता आ रहा है और भाजपा की वो नीत जहां की वो कह रही है कि लड़कियों की शादी 18 साल के जगह पे 21 साल पे होनी चाहिए उसको ये लोग अनुचित ठहरा रहे हैं। क्या कारण है उन्होंने बताया, सरकार को भी सोचना चाहिए। आइए यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जानते हैं क्या है इनके विचार, क्या चल रहे हैं इस बार चुनाव की क्या प्रक्रिया है, आप लोगों के यहाँ क्या लग रहा है किसकी सरकार आएगी? सरकार आना चाहिए का ना अखिलेश यादव का आना चाहिए? अखिलेश यादव का, ये आपका क्या कहना है, सरकार जो अभी चल रही है वही रिपीट हो या फिर तो कोई और सरकार बदलनी चाहिए? महंगाई हो गई कहने चाहिए, क्यों बदलनी चाहिए? अब ये सरकार के वाहन बहुत कुछ महंगाई को पड़ी गई, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, तो अगर महंगाई कम हो जाए तो फिर ये सरकार ठीक है? हाँ सरकार तब ठीक है, सिर्फ महंगाई एक वजह है आपके लिए? महंगाई है, काम नहीं हुआ था बराबर पूरा सब लोग जी। अच्छा वैसे यहाँ पे आपके यहाँ कौन से नेता की जात खाली सरकार ठीक तो राहुल गांधी का तो गांधी। अरे कहाँ भागे हो भैया सब काहे यार, लगा 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 ये इधर भी यंग है भाई इधर आ यार लगा भैया क्या, अरे रुको भाग का वोट डालते हो कि नहीं? अब वही तो वोट नहीं डाले हैं ना, कभी नहीं डाले हो? अब वही नहीं डाले, वोटर हो या नहीं? वोटर तो हैं। तो किसकी सरकार चाहते हो आप? अब किसकी सरकार चाहते हैं? नहीं जैसे भाजपा सरकार वापस रिपीट हो, योगी की सरकार रिपीट हो, ऐसा चाहते हैं या फिर बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। क्यों, वजह क्या है? महंगाई ज़्यादा है। और कोई और वजह सरकार बदलने की? और कोई वजह नहीं है, बस महंगाई ज़्यादा तो है। कोई और सरकार आएगी तो आपको लगता है महंगाई कम हो जाएगी? हो सकता है। क्या कहना है आपका? कहना यही चाहते हैं कि सर कि भाजपा को हटाओ देश बचाओ। ऐसा क्यों, कोई और सरकार आएगी तो देश बचेगा इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल सर बचेगा जी, लेकिन मोदी साहब रहेंगे तो नहीं बचेगा। अच्छा, क्योंकि वो कहे थे कि हम तो खाली हाथ आए हैं, वो तो खाली हाथ चले जाएंगे। और कौन सी सरकार आए, क्या चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में सिर्फ अखिलेश यादव साहब आए। अखिलेश यादव जी, आपका क्या कहना है? अखिलेश यादव। क्यों अखिलेश यादव? क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं। जैसे उनके अच्छे कामों में क्या ऐसा अच्छा काम लगा आपको? अच्छा काम उन्हीं का, सब रोड पास है, बस ये पेस्टिंग करके हटा दे रहे हैं। अभी आप देखे हैं उधर जी रोड कैसा है, एक ही बार इसमें पूरा सब समाप्त हो जाएगा जी, इसलिए अखिलेश यादव को आना जरूरी है। ओ समाजवादी क्यों ऐसा? क्योंकि मोदी देश लूटने में लगे भैया। तो समाजवादी ही क्यों, बसपा या कांग्रेस क्यों नहीं? बस समाजवादी, सिर्फ समाजवादी चाहते हैं? हाँ समाजवादी चाहते हैं। क्या ऐसी खास बात है? बस समाजवादी सही है। देखिए सरकार को तो बदलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, आम आदमी त्रस्त है, उसकी कमर टूट गई है जी। जैसे गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, ये किसानों का जो है डायरेक्ट संबंध रहता है इससे, इसीलिए जो है किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा अगर यही सरकार, योगी सरकार ही, महंगाइयाँ अभी चुनाव आने में काफी समय है, अब आने वाला साल है हो गया, अगर महंगाई कम हो जाए तब क्या कहना है? 5 साल हो गया अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तो अब 2 महीने में क्या कर लेंगे बताओ जी। हाँ। तो आपके हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए? सरकार बदलनी चाहिए। किसकी सरकार आए? किसी की भी आए, लेकिन ऐसी सरकार हो जो कि महंगाई को कम कर दे। आइए इधर भी जानते हैं कुछ लोगों से। अरे काका क्या हाल है, ठीक है? ठीक है। बीड़ी वीड़ी चल रहा है? अच्छा चली है बीड़ी, खैनी मजा आ रहा है खैनी में? अच्छा ये बताइए चुनाव के बारे में क्या कहना है, इस बार सरकार वरकार किसकी बने? अखिलेश के बन जाए और ठीक है। अच्छा भाई समाज सस्ता की जरूरत, योगी जी फिर से आए ऐसा क्यों नहीं?
तो वका खाती क्यों कई पाई थोड़ा है आदमी के जो हक है उतने भर कीन जा सकत है। नहीं तो आपके हिसाब से किसकी सरकार हो इस बार? अखिलेश यादव को चाहिए। क्यों ऐसा अखिलेश यादव ही आए? नहीं जैसे सत्ता में चाहे जो आदमी है हमेशा बदलना चाहिए। अच्छा हमेशा बदलना चाहिए आप ऐसा चाहते हैं जी। काका आपका क्या कहना है? हाँ भैया यह है और कौन का है का? अरे यह है ये महंगाई है, ये साढ़ बछवा चरत है बोए जोत के आओ। अच्छा अच्छा आपकी फसलें खराब हो रही है तब वहीं देखो तो वो कान है कुछ नहीं मिले खे जी। हाँ तो आपके हिसाब से सरकार बदलनी चाहिए? हाँ महंगाई भैया तो महंगाई तो आपके लिए तो फायदा होगा, दुकान चल रही होगी बहुत बढ़िया। कौन फायदा है महंगा रहे तो महंगा बेचा जाते भैया। तो आप चाहते हैं सरकार बदले इस बार? हा? सरकार बदले वो का तो हम ना बताए पे बदल जाए ना बदल जाए नहीं चाहते क्या? आपने कहा अभी जैसे गांव वाले चाह रहे हैं तो गांव वाले तो कह रहे हैं हम समाजवादी हैं। तो भाई अब गंगा सतवा में गाँव पले ही में। मतलब आप भी समाजवादी ही चाहते हैं? समाजवादी है भैया। अच्छा ये बताइए काका कि इस बार चुनाव होने जा रहा है अभी तो सरकार किसकी बनना देखना चाहते हैं आप? अखिलेश का। अखिलेश का? योगी का है नहीं? अब रखा ही थे रतिया का रखाते हैं का फसल साढ़ बप्पा। क्या क्या दिक्कत है आपको इस सरकार से, योगी सरकार? हाँ, हमार दिक्कत तो दूर कर दी वो ऊंचे जी। नहीं नहीं मतलब आप के सरकार मतलब ऐसा है काका सुनिए, मतलब आप जो है पीड़ित हैं अपनी पीड़ा आप बताएं हम सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे? वो है पीड़ा बताएं तो रात भर रखाई थे गन्ना। इस बार जो चुनाव हो रहा है तो किसकी सरकार बने ऐसा क्या चाहिए? उम्मीद तो हम समझ रहे हैं कि बस सपा की बननी चाहिए, लेकिन जो माहौल चल रहा है वो सपा का उम्मीद ज़्यादा चाहिए। अच्छा सपा ही क्यों? सपा के दौर में विकास हुआ। अच्छा हाँ ये तो विकास तो ये लोग भी कह रहे हैं, योगी कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है। ठीक है कह रहे हैं जी, कर कहाँ रहे हैं जमीनी स्तर पे आप कहीं उसको बताएं। और रहा खास तौर पे हम लोग किसान हैं जी, अब हम जंगली जानवर पकड़ पकड़ के कहाँ ले जाए रखें, कम से कम उसका उनको इंतजाम करना चाहिए। उन्होंने गौशाला खुलवा रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यही मीरपुर में बगल के ग्राम सभा में गौशाला 5 सालों से बन रहा तक तैयार नहीं हुआ, उसका कोई इंतजाम नहीं है। रात के जानवरों का ताता लगा है खेत में, क्या करें हम लोग, कहाँ जाएं, ये सब कौन देखेगा? हम लोग वन में डालें कहाँ ले जाके उनको कहाँ पहुँचा दें, फिर वो आएंगे खेत में। तो इस बार ये सरकार की जरूरत है, ये सरकार करे। तो मतलब आपके पूरे ग्राम सभा ने ये प्रण किया है कि इस बार समाजवादी को वोट करें? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग हमेशा करते हैं और फिर अब की बार और ज़्यादा बहुमत से उनको यहाँ से निकालेंगे अपने गाँव से।